उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद की शिकारपुर तहसील का है, जहां तहसील के ही एक खाद्य विभाग के एक अधिकारी ने एक चावल से भरे एक छोटे हाथी को रोड पर पकड़ रखा था। सूत्र बताते हैं कि ये घटना तहसील क्षेत्र के रानीवाला चौराहे के निकट की है। बताया जाता है कि गाड़ी चालक और अधिकारी और कर्मचारियों के बीच काफ़ी देर से वार्ता चल रही थी। अब वार्ता क्या चल रही होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। गाड़ी को पकड़ा हुआ देख और खाद्य विभाग के अधिकारी और उसके साथ कुछ कर्मचारियों को देख एक मीडियाकर्मी वहाँ पहुँचता है और वीडियो बनाने लगता है। जैसे ही कैमरे का मुंह खुलता है, अधिकारी और कर्मचारी गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और मीडियाकर्मी और खाद्य विभाग के अधिकारी की आपस में बहस शुरू हो जाती है। अधिकारी जी, जब गाड़ी में चावल सही था तो आपने पकड़ी क्यों, और गलत था तो आप इतनी देर से उसको रोड पर खड़ी करके करना क्या चाह रहे थे? और यहीं से आप उस सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे को पलीता लगाते हो। सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है, लेकिन सरकार ईमानदारी से काम तभी तो करे जब आप करने दें। जैसे ही वीडियो वायरल हुई और वीडियो के संबंध में विभाग के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि चावल की गाड़ी को मंडी के सुपुर्द किया गया है, जांच पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब साहब ने क्या कहा, जरा इस पर भी गौर फरमाइए। अभी तो मुझे सरकारी चावल है, दिखाऊंगा। और ये कोई खरीदा हुआ चावल है ना? वैसा कोई वैसा तो है नहीं। ये रहा ना लो चावल सर, ये रहा, ये चावल है ना सर, ये रहा। तो भाई मुझे भी तो अभी तो मैं भी वहाँ पे आके नहीं देखा हूँ कि, तो मैं तो बता रहा हूँ ना सर, ये चावल है ना, ये रहा। चलो भाई तुम एक काम करो, एक बयान लिखो कि ये सरकारी चावल है। बयान लिखो लो, मैं आपके